अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू गाइज़ आर डूइंग वेल। तो आज का जो व्लॉग है वो तो दो तीन दिन का मैंने जो है ना इकट्ठा करके तो अपलोड किया था। यहाँ पे मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था, ये मैंने स्टाइलो से शूज़ मंगवाए थे और सेल लगी हुई थी तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अभी मंगवाते हैं। तो ये मैंने एक जोकर्स मंगवाए थे स्किन कलर या ब्राउन कलर में कह लें। तो ये जो इस तरह के कलर्स होते हैं ये बहुत डिसेंट से लगते हैं, हर आउटफिट के साथ आप इनको पहन सकते हैं। तो ये कैजुअली भी पहन सकते हैं इनको, और फॉर्मल ड्रेस अगर आपने कैरी किया तो उसके साथ भी ये बड़े इनविजिबल से लगते हैं, तो अच्छे लगते हैं। और मतलब कोई भी अगर आपको शूज़ नहीं मिल रहे मैचिंग तो आप स्किन कलर ब्राउन कलर पहन लो तो वो अच्छा चला जाता है हर आउटफिट के साथ। और साथ मैंने ये वाले शूज़ मंगवाए थे, ये मेरे हस्बैंड को अच्छे लगे थे। और उसके बाद जो है अभी मैं प्रेपरेशन कर रही हूँ डिनर प्लस लंच की। तो यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है वो गार्लिक पेस्ट लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस डाला है, और 3-4 टेबल स्पून इसमें मैंने ये बारबेक्यू सॉस था स्मोकी तो ये डाल दिया है, और 4-5 टेबल स्पून जो मैंने सोया सॉस डाली है, चिली सॉस डाल दिया 3-4 टेबल स्पून, और इसके अंदर जो है मैं चीनी ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून, और साथ ही सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है, थोड़ा कम लगे तो बाद में भी आप डाल सकते हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं होता है। और इसके साथ ही जो है चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिए थे 1 टेबल स्पून, और ये वाइट पेपर है ये 1 टी स्पून डाली थी, और मैंने इसके साथ जो है पेपरिका डाल दी थी 1 टेबल स्पून के करीब। और ये जो टोमेटो प्योरी है ये होम मेड है और आप स्टोर बॉट भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये मैंने 3-4 टेबल स्पून इसमें ऐड करके तो इसको मैंने मिक्स कर लिया था। मिक्स करके अगर आप थोड़ी देर पहले रख दें तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और एक और बाउल में जो है मैंने 1 टेबल स्पून लेमन जूस और ऐड किया है, उसमें ये वाला सॉस डाला है और चिकन डाल के इसको मैरिनेट कर दिया था, और मिक्स करके तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है मैरिनेशन के लिए। और उसके बाद जो है मैंने पोटैटोज़ बॉयल होने के लिए रखे हुए थे, तो उसी में मैंने एक मतलब कप के करीब जो है ना पोटैटो पेस्ट लिया, उसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। पहले मैंने 2-3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाले हैं, उसमें एक एग डाल के तो इसको मिक्स कर लिया है, और मुझे ये थोड़ा सा पतला लग रहा था तो मैंने और थोड़ा सा ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद इसको मिक्स किया है, नमक ऐड किया है इसके अंदर एंड ब्लैक पेपर ऐड किया थोड़ा सा जो है ना टेस्ट देने के लिए। तो ये मैं नूडल्स की जगह जो पास्ता हम लोग बनाते हैं नूडल्स बनाते हैं उसके जगह पे मैं ये यूज़ करूँगी। तो इसको एक मैंने बैग में निकाल के तो इसको मैंने साइड पे कर दिया था, जब मैं कुक करने लगूँगी ना खाना बनाने लगूँगी ग्रेवी और चिकन सारा तभी मैं इनको साथ ही बॉयल करके तो डाल दूँगी। तो बस अभी मैं थोड़ी सी प्रेपरेशन ही कर रही थी पहले कि सारा कुछ रेडी हो जाए, क्योंकि इसको सिर्फ 5 मिनट लगते हैं कुक होने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो यहाँ पे फिर मैंने सब्जियाँ वगैरह भी काट ली हैं, सब्जियों में मैंने टमाटर लिए हैं, और टमाटर मैंने 2 लार्ज साइज़ के कट किए थे लेकिन बाद में फिर मुझे ज़्यादा लगे जब मैं इसको डालने लगी हूँ फिर मैंने एक ही डाला था। और एक मैंने शिमला मिर्च लिया और इसी क्वांटिटी के करीब ही मैंने कैबेज ली थी, और एक लार्ज साइज़ का जो था ना प्याज वो भी मैंने ऐसे क्यूब्स की फॉर्म में काट लिया था उसको, और जो शिमला मिर्च है उसके बीज जो है वो निकालने होते हैं वो मैंने निकाल दिए थे। तो बेसिकली ये डिनर था लेकिन इसको मैं लंच में बना रही थी, वो मैं आप लोगों को ना आगे जाके बताती हूँ मैं क्यों बना रही थी। तो यहाँ पे जो है मैंने प्याज ली बड़े साइज़ की, उसके जो दरमियान से होता है ना पतले छोटे पीसेस होते हैं वो मैंने निकाल दिए क्योंकि उससे फिर क्यूब्स जो है ना वो छोटे बड़े हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है इसी बाउल में मैंने एक अंडा लिया है और 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें कॉर्नस्टार्च डाला है, और चिकन डाल के इसको मैंने मिक्स कर दिया है, और मिक्स करके तो इसको मैं पहले तो शैलो फ्राई करने वाली थी फिर मैंने इसको डीप फ्राई कर दिया कि थोड़ा सा मैं इसको ना ग्रेवी के अंदर मिक्स नहीं करूँगी, इसको मैं सेपरेट ही दे दूँगी तो इससे बड़ा क्रिस्पी सा टेस्ट आता है। तो चलो थोड़ी खाने में वैरायटी हो जाएगी और थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा। मेहनत तो उतनी लगती होती है, आपने जब मैं इस तरह खाने बना रही होती हूँ ना तो मेरे दिमाग में बड़े आइडियाज़ आ रहे होते हैं, इसको इस तरह कर लूँ इसको उस तरह कर लूँ, तो बस अभी बनाते बनाते मेरे जहन में आया। और यहाँ पर जो है हमने जो पोटैटो का पेस्ट रेडी किया था तो उसको भी मैं यहाँ पे मैंने जो है पानी उसको गर्म किया है उसके अंदर मैंने डाल दिया, सिर्फ हमने 1 मिनट के लिए इसको बॉयल करना है क्योंकि हमने इसके अंदर मैदा नहीं डाला हुआ, पोटैटोज़ डाले हैं वो ऑलरेडी बॉयल्ड थे। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ लाइट चली गई है और यहाँ पे ज़्यादा लाइट जाती नहीं है, सिर्फ 5 मिनट के लिए गई थी लेकिन जब मैंने इसको सिर्फ 1 मिनट लगना था तो मुझे सोचते हुए टाइम लग गया कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो अब मैं क्या करूँ कि मतलब कैसे दिखाऊंगी मैं, फिर मतलब थोड़ा सोचा सोचते सोचते भी 1-2 मिनट लग गए ना तो ये थोड़ा सा लेट हो गए और ज़्यादा उबल गए थे इस वजह से। तो हमारे यहाँ पे यूजुअली जो है ना लाइट जाती नहीं है लेकिन अभी पता नहीं क्या हुआ था, कभी कभार जाती 5-10 मिनट के लिए, तो हमने कोई इतनी प्रेपरेशन नहीं की होती कि लाइट जाएगी UPS हो या इस तरह का कुछ हो।
तो खैर उसके बाद जो है ये मैं समोसे दोपहर में बनाने लगी थी और रूहान आया तो कहता मोमोज बना रही हैं, बड़ा खुश था। मैंने कहा नहीं मैं समोसे बना रही हूँ, और उसका थोड़ा सा मूड बन गया तो फिर मैंने सोचा चलो मैं मोमोज ही बना देती हूँ। तो वही समोसे जो थे ना उसका बैटर, मैं उसमें जो मैदा यूज़ करती हूँ ना वो ऑर्गेनिक मैदा होता है, वो थोड़ा सा ब्राउन होता है, मतलब हेल्दी होता है ब्राउन होता है, लेकिन मोमोज़ में जो है ना वो वाइट मैदा जाता है तो वो वाइट कलर के बनते हैं, तो इसलिए आपको ना कलर थोड़ा सा इसका चेंज लगेगा। तो फिर मैंने सोचा मोमोज़ बनाने हैं तो डिनर भी अभी रेडी कर लेती हूँ, उसी के सॉस के साथ हम लोग खा लेंगे। और जो बाकी का बैटर बचा था समोसों का या मोमोज़ का, उसकी मैंने गोल गोल सी रोटियाँ बना के तो उनको भी फ्राई कर लिया है थोड़े से। मैंने कहा और क्रिस्पी सा जो है ना चीज़ वो रेडी हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा। और फिर ये जो ऑयल था इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट डाला है, और इसके अंदर जो हमने बैटर ये मिक्सचर रेडी किया था ना ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये जो ऑयल था ना इसको मैं मतलब कोई जब भी कोई भी चीज़ कुक करती हूँ ज़्यादा ऑयल में तो मैं कोशिश करती होती हूँ, मैंने टाइमर लगाया होता है चूल्हे के ऊपर ही कि 20 मिनट से ऊपर ना जाए, 20 मिनट से कम तक ही मैं उसको कुक करती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है ऑयल वो अनहेल्दी हो जाते हैं तो उसको फिर आपको डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो अभी भी मैंने 5 5 मिनट तकरीबन 4 मिनट या 5 मिनट ना वो चिकन को फ्राई किया था, और उसके बाद जो है ये मैंने जो बाद में वो रोटियां सी बनाई थी तो वो भी तकरीबन 2 मिनट उसको लगे हैं, और उसके बाद जो है ये भी 4 5 मिनट में ये ग्रेवी भी रेडी हो गई थी। तो तकरीबन 15 से 17 मिनट लगे थे मुझे ये टोटल कुक करने में, तो ऑयल ज़्यादा कुक नहीं हुआ तो ये बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं था। तो ये आपने चीज़ जो है ना माइंड में रखनी है, जब भी आप ज़्यादा ऑयल यूज़ करें तो आप उसको जो है ना वो कम ही कुक करें 20 मिनट से पहले पहले, अगर 20 मिनट से ऊपर 21 मिनट भी हो गए हैं तो आप उस ऑयल को डिस्कार्ड कर दें। तो फिर ये ग्रेवी के अंदर ही मैंने केचप डाल दिया, थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च डाल दिया और चिकन क्यूब्स डाल दिए थे उनको मैंने मिक्स किया, और वेजीज़ मैंने डाल दिया, टमाटर मैं बाद में डालूंगी। तो बाकी की जो वेजीज़ हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा क्रंची होती हैं तो मैंने उसको पहले डाल के तो मिक्स किया है सिर्फ 30 सेकंड के लिए, और उसके बाद जो है मैंने टमाटर डाले हैं और अगले 30 सेकंड इनको मैंने मिक्स करके जस्ट कुक किया हल्का सा 30 सेकंड के लिए ही बस। तो बाकी उसके बाद जो है ये मैंने डाल दिया, आप नूडल्स डाल सकते हैं इसकी जगह पे और पास्ता कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो मैं ये पोटैटोस वाला डाल रही हूँ, ये थोड़ा सा मतलब वेजिटेबल्स ही हो गई हैं ज़्यादा, मैदा इसमें बिल्कुल भी नहीं गया तो चलो मैंने कहा थोड़ा हेल्दी हो जाएगा। और बस इसको मिक्स करके हम प्लेट्स में निकाल लेंगे और अभी जो है हम सर्व कर देंगे। तो चिकन मैंने सेपरेट रखा था, और ये जो मोमोज समोसा है आपको शक्ल भी दिख रही होगी थोड़े ब्राउन है, क्योंकि जो मैं समोसों के लिए आटा यूज़ करती हूँ ना वो मतलब ये ऑर्गेनिक होता है, ये थोड़ा सा हेल्दी होता है, इसमें लाइक ब्राउन ब्राउन सा होता है ये। तो ये मैं जब घर पे समोसे बनाती हूँ कुछ भी यूज़ करती हूँ तो मैं यही करती हूँ, लेकिन जब हमने बनाने होते हैं बेकिंग करनी होती है मोमोज बनाने होते हैं तो तब वो प्योर वाइट मैदा होता है वो यूज़ होता है, तो वो अनहेल्दी होता है, इससे उसमें ग्लूटेन ज़्यादा होता है, इसमें ग्लूटेन ज़रा कम होता है। तो मैं बेसिकली बना समोसे रही थी तो आप लोग ये ना कहने लग जाना ये मोमोज ब्राउन कलर के क्यों हैं, तो ये समोसे थे और ये मैं जो है ना ब्राउन वाला मैदा वो यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा ब्राउन होता है ये, आप जब मार्केट जाएंगे ना तो ऑर्गेनिक मैदा जो होता है वो इसी तरह का होता है। तो ये सारा कुछ मिक्स मैच करके को इतना मज़ा आ रहा था, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर हर बाइट के साथ डिफरेंट फ्लेवर आ रहा था, तो बड़ा मज़े का बन गया, डिनर भी बन गया और यही हम लोग जो बाकी बचेगा वो शाम को खा लेंगे। अभी जो है हम लोगों ने जाना था उसके बाद यूनिवर्सिटी, इन महमूद की कुछ फाइल्स वगैरह थी उन्होंने वो लेनी थी, तो बस अभी हम लोग खाना खाएंगे उसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। इन्होंने जाना था तो मैंने सोचा हमें भी ले जाएं, बच्चों को भी थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, घर पे भी इन्होंने मेरा सर खाना है, ये हमें भी ले गए, हम इनको मैं घुमाती रही यूनिवर्सिटी, मैंने कहा इनको भी दिखाऊं आपकी मम्मा ने यहाँ पे स्टडी की हुई है, तो बड़े खुश रहे हैं। लेकिन गर्मी थी थोड़ी, तो क्योंकि अभी बारिश होने वाली थी इस वजह से ना थोड़ा हब्बस भी हो जाता है,
तो फिर उसके बाद जो है वो बारिश होना शुरू हो गई है, और काफ़ी टाइम के बाद हुई है अभी बारिश। और बड़ा अच्छा भी लग रहा था, लेकिन घर के अंदर जो है ना वो काफ़ी हब्बस सा हो जाता है। तो वो बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, मैंने इनको खेलने दिया है। मैं इनको ना ना तो मिट्टी से रोकती हूँ ना इस तरह की चीज़ों से रोकती हूँ। ये थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन जब ऐसे पानी बह रहा हो ना तो उसके अंदर कोई भी वो ख़तरे वाली चीज़ नहीं होती है मोस्टली। तो यहाँ पे मैं इनको खेलने देती हूँ, मिट्टी में भी मैं इनको अवॉइड नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर ये इन चीज़ों में खेलेंगे तो इनके अंदर इम्यूनिटी बूस्ट होगी ना। इस तरह तो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं बच्चे, तो सेंसिटिव बच्चे जो होते हैं ना फिर उनको पालना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर मैं इनको कोशिश करती हूँ, गंदे होते हैं तो इट्स ओके, हो रहे हैं फिर क्या हुआ, हम चेंज नहलाएंगे, चेंज कर देंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाती है, लेकिन बच्चों को ना मैं खेलने देती हूँ मिट्टी में बाहर। इस तरह अभी बारिश हो रही थी, पानी थोड़ा सा गंदा भी था, बट इट्स ओके, जब घर आएंगे इनको मैं नहला दूँगी तो साफ़ हो जाएंगे ना। लेकिन चलो, इतना वो इतनी सी इम्यूनिटी बच्चों के अंदर होनी भी चाहिए। तो बस अभी बारिश में ये भी खेल रहे थे और मैं देख भी रही थी, क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा था तो इजहान अभी बाहर ही था, तो मुझे था कि ये ना पानी में ना गिर जाए। और उसके बाद जो है ये और दिन का व्लॉग है, और अभी हम लोग अम्मी लोगों की तरफ जा रहे थे और हम रेडी हो रहे थे। इनको ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी बच्चों को, और यहाँ पे आके इन्होंने पेंसिल की इतनी सारी लाइंस लगा दी हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ मेडिसन्स वगैरह कुछ चीज़ें लेनी होती हैं जब हम लोग गाँव जाते हैं, तो उन्होंने कुछ चीज़ें मंगवानी होती हैं ना, तो हमें बता देते हैं कि ये चीज़ें ले आना हमारी। तो बस वही हम लोग ले रहे थे, और ले के उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे घर। और जब कोई फ्रूट्स वगैरह ले लो तो बच्चे ये हाल करते हैं अपने कपड़ों का भी और हर चीज़ का। तो खैर, उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे घर, और घर जाके मैंने इजहान के फिर कपड़े भी चेंज करवाए हैं। साफ़ सुथरे तो जा ही नहीं ना सकते कहीं भी बच्चे, तो फिर इसको मैंने चेंज करवाया है। उसके बाद फिर हम लोग जो भी पानी पुशानी पीना है वो पियेंगे, चाय पियेंगे। उसके बाद जो है खाना छाना खा लिया था हमने, और ये जी हम गाड़ी में से निकाल के लेके आ रहे हैं अपना सामान। इनको ज़्यादा यहाँ पे आके एक्साइटमेंट होती है पूल की, कि हम लोगों को ना अब पानी भरते हैं और हम लोग वहाँ पे ना खेलते रहें। पानी यहाँ पे साफ़ होता है, तो हम लोग ज़्यादा जो पूल है ना इनको यहीं पर ही देते हैं, घर में बहुत कम देते हैं, बहुत ही रेयरली, जब हमें मतलब जब ज़्यादा इनको तंग करें ना फिर देते हैं। क्योंकि हमारा जो घर का पानी है ना उधर अपने घर में वो गंदा है, तो ये जो पानी है पीने के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मुझे टेंशन नहीं होती कि चलो बच्चे जी खेल रहे हैं, पानी पी भी रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो उसके बाद जी फिर खेल रहे हैं हम लोग, यही करते हैं बच्चे जब कहीं भी जाते हैं, बड़े खुश रहते हैं। अभी रात का टाइम हो गया था और हम लोग शेक बना रहे हैं। तो ये केले थोड़े से ऐड करने होते हैं, सिर्फ 2 केले ऐड किए हैं मैंने इसके अंदर, और बाकी सारे हमने मैंगोज़ ऐड करने होते हैं। तो इतना वो क्रीमी सा फ्लेवर आता है ना, क्योंकि जो जब हम बनाना डाल देते हैं ना वो बड़े क्रीमी से होते हैं, तो बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है। तो शेक पिया फिर सारे सो गए थे, और ये मेरी और मेरी सिस्टर की लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं, तो हम कुछ ना कुछ इस तरह का बना के खाते होते हैं। उसने ले के रखा होता है,
फिर जब मैं जाऊँ ना फिर उसको होता है आज हम लोग ना चिल करते हैं रात को, तो इतनी बातें करते हैं। हालांकि अब जाती रहती हूँ मैं फिर भी, मतलब इतनी सारी हमारी बातें चुगलियाँ इकट्ठी हुई होती हैं तो वो करनी होती हैं, फिर साथ में भूख भी लग जाती है। तो बस अभी हम लोग ये नूडल्स ट्राई करेंगे, इतने कोई स्पाइसी होते हैं ना लेकिन मज़ा आता है खाने में। साथ ही बातें शातें करेंगे इधर उधर की, अपनी अपना फ्यूचर, हम फ्यूचर की बहुत प्लानिंग करते हैं अपनी, मतलब ब्यूटी टिप्स एंड इस तरह की, कपड़ों की और ये सब चीज़ें। और यहीं पे जो है मैं अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ, डे भी एंड हो गया है। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।